iPhone 13 Pro, आज हम इसमें BGMI खेलने वाले हैं और इसका एक प्रॉपर गेमिंग टेस्ट करेंगे। देखते हैं कितने हमें FPS देखने को मिलते हैं। इस फोन में हमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और साथ में 90 FPS की सेटिंग भी मिलती है। तो यहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगा जिसकी मदद से हम देख पाएंगे कि हमें रियल टाइम कितने FPS मिल रहे हैं और उसके अलावा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है इस फोन के साथ में, कैसा ओवरऑल गेम खेलने का एक्सपीरियंस रहता है आपको बता देता हूँ। BGMI से पहले PUBG थी तो उस टाइम मैं कॉम्पिटिटिव भी खेला करता था, तो इस गेम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है मेरा। तो एक डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो हाय गाइस, मेरा नाम विनय और आप देख रहे हो टेक ऑन ट्रेंड यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सेटिंग्स का बता देता हूँ आपको, स्मूथ में 90 FPS मिल जाते हैं, बैलेंस में एक्सट्रीम, HDR में एक्सट्रीम, अल्ट्रा HD पे जाते हो तो आपको सिर्फ अल्ट्रा FPS मिलते हैं, मतलब आपको 40 FPS मिलेंगे और उससे पहले आपको 60 FPS मिलेंगे और स्मूथ में आप 90 FPS ले सकते हो। तो पहले हम स्मूथ और 90 FPS पर टेस्ट करते हैं। तो फिर गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पर लॉबी में भी मैंने सेटिंग कर दिया 90 FPS और हमारा कॉम्बैट में भी हमारे 90 FPS है और FPS मीटर भी हमने चालू कर दिया है। तो एक साइड आपको FPS दिख रहे होंगे और एक साइड मेरा एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक TDM लगा रहा हूं, तो ये मैंने लगा दिया। चलो तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं खेलना। पहले थोड़े कंट्रोल सेट कर लिए मैंने, सेंसिटिविटी खराब थी। साथ साथ में आप FPS देखते रहना, जैसे कि मैं देख रहा हूं 89.6 FPS मिल रहे हैं। निखिल तो FPS देखना, इस साइड 120 FPS है ना, 119, मतलब कुछ ज्यादा जा रहे हैं FPS। मेरे को लग रहा है ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये FPS की जगह रिफ्रेश रेट को नोटिस कर रहा है, पर यहाँ पर FPS लिखा हुआ है। ये पेड सॉफ्टवेयर भाई, गड़बड़ लग रही है मुझे सॉफ्टवेयर में। 120 के अराउंड दिखा रहा है ये। 120 तो रिफ्रेश रेट है ना स्मार्टफोन का, कभी 90 बता रहा था, अभी 120 बता रहा। वैसे स्मूथ तो बहुत ज्यादा है खेलने में, देख अब 90 आ गया। तो भाई पेड सॉफ्टवेयर, अब ये पैसे लेके भी ऐसे करेंगे तो फिर दूसरे फोन में करें चेक। नहीं, मैंने iPad के साथ में टेस्ट किया था ना, iPad में 120 FPS जा रहे थे और नॉर्मल iPhone जो 60 FPS वाले हैं उनमें 60 FPS ही दिखाई देते हैं। और ये जो 120 Hz वाले डिस्प्ले आई है ना, इसके साथ में ना ये सॉफ्टवेयर 90 बताता है, कभी 120 बताता है। अब हो सकता है कि ये रिफ्रेश रेट को ही पकड़ रहा है तो। हाँ, रिफ्रेश रेट को देखता हो फिर उस हिसाब से बताता हो। हाँ, तो गाइस यहाँ पर तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वैसे तो 90 FPS जो आ रहे हैं वो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जब आप स्मूथ और 90 FPS पर खेलोगे तो आपको प्रॉपर वाले 90 FPS मिलने वाले हैं। और जैसा कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है इसकी, तो वो अच्छे से काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाले आईफोन में खेलोगे और इसमें खेलोगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा, इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है इसमें। तो जैसे कि हमने देखा स्मूथ में हमें 90 FPS की सेटिंग दे के रखी है, तो आईफोन में हमें कॉन्स्टेंट 90 FPS मिलते हैं। और बाकी मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ अलग ही बता रहा है। तो आपको 90 FPS मिलेंगे जो कि मेरा एक्सपीरियंस बताता है। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं बैलेंस और एक्सट्रीम में, और बैलेंस एक्सट्रीम में एक मैच लगाते हैं हम और सॉफ्टवेयर की तरफ भी नजर डालेंगे हम सॉफ्टवेयर क्या बोलता है। और अभी मैं FPS मीटर की तरफ देख रहा हूं तो ड्रॉप हो चुका है FPS का, 60 FPS हमें दिखा रहा है। गाइस यहां पर मुझे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा जो कि FPS मीटर वाला है। पेड है पर फिर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये मेरे अकॉर्डिंग जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट दे के रखा है, जैसे कि आपको पता है एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज तक इसकी डिस्प्ले जाती है, 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट है, एडेप्टिव अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से ये सॉफ्टवेयर उसे मेजर कर रहा है, ना कि FPS गेम में हमें कितने FPS मिल रहे हैं। तो मैंने सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया है, अब तुम्हें तुम्हारा भाई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा। तो बैलेंस और एक्सट्रीम में आने के बाद कलर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं अब मुझे स्क्रीन के ऊपर, थोड़ी शेडोज वगैरह अच्छे से, और अभी तक भी किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिल रहा है। पहले मैं वाईफाई के साथ खेल रहा था और अभी मोबाइल डाटा के साथ मैं चेक कर रहा हूं, तो 200 का पिंग आ रहा है मेरा, क्योंकि यहां पर कवरेज उतनी अच्छी नहीं है। एक किल मैंने निकाल दिया, बाय द वे ये मेरे टीममेट ने गोली मारी पहले और मैंने सिर्फ टच किया, वो देखो एक सामने से जा रहा। ये फायदा है आईफोन में FPS ज्यादा अच्छे आते हैं। हो सकता है मेरा जो दूसरा टीममेट है वो एंड्रॉइड में खेल रहा हो। ओ, 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 देख कितने आराम से मैं नहीं कर रहा हूँ, उनका स्लो बहुत स्लो लग रहा है मेरे को, बैठे बैठे किल नहीं कर रहे 60 FPS पर खेल रहा हूँ, अभी मैं 90 पे भी नहीं खेल रहा। एक्सपीरियंस में साथ साथ में बताता हूँ, टच रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है। एक बात है कि पहले मुझे इस फोन में थोड़ा वेट बैलेंस उतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर जैसे आप 2-3 दिन तक खेलोगे तो यूज टू हो जाओगे आराम से, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। जायरोस्कोप का कोई जवाब, जायरोस्कोप वन ऑफ द बेस्ट वर्क कर रहा है।
ग्रोजा वाले को M4 से मार रहा हूँ, हेल्थ कम होगी पर मेरी। अभी पिंग भी बहुत अच्छा आ रहा है मेरा और साथ में FPS भी 60 आ रहे हैं कॉन्स्टेंट। देखो फिर से ग्रोजा वाले को मार दिया मैंने। आईफोन बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए। दूसरा ग्रोजा वाला मार गया, हेल्थ कम थी। देखा ये वाला, देखा तुमने, मानते हो ना आईफोन को? ओ शिट शिट भागो। B-lag असली है क्या? ये तो देखा आपने, था ना काफी इंप्रेसिव। 60 FPS कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं। इसको मैं खड़े खड़े मारने की ट्राई करता हूँ। यार मार दिया यार, एक्सपेरिमेंट फेल। अभी एक काम करते हैं, इसको एग्जिट करता हूँ, नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। सेटिंग्स ग्राफिक HD एक्सट्रीम। अभी हम कह रहे हैं HD एक्सट्रीम मतलब 60 FPS फिर से मिलेंगे हमें। कलरफुल मैच लगा रहा हूँ और फोन हमारा अभी तक हीट नहीं हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, 76% हमारे फोन की बैटरी है, चार्जिंग पे अभी नहीं लगा है। स्पीकर्स की आउटपुट काफी अच्छी आ रही है पर मैंने कम करके रखी है। इस सेटिंग में बहुत अच्छी चल रही है ये गेम, इजीली तुम अच्छे से खेल सकते हो, कोई डिले नहीं है, कोई लैग नहीं है, बहुत प्यारा गेम प्ले चल रहा है। ये देखा तुमने, ये मैं ग्रेनेड से मारा पर तुमने स्प्रे देखा, एक स्प्रे में दो बंदे मार दिए मैंने। आईफोन का कमाल। अभी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई के पास है आईफोन 13 प्रो और गेम प्ले नेक्स्ट लेवल। तो तुम्हें पता है अगर तुम इस तरह का डिवाइस ले रहे हो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। HDR एक्सट्रीम, HDR में भी आपको 60 FPS मिलेंगे। अप्लाई देन स्टार्ट। सामने प्लेयर आए हैं कौन कर रहा है, हम भी थे सीजन 13 के, छोड़ दिए थे उसके बाद। HDR में डिस्प्ले में जो मैं रियल आंखों से देख रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, शेडोज वगैरह सब कुछ। तुम्हें बैटरी दिखाता हूँ, 76%, बाकी तुम्हें मैंने पहले बताई थी, पीछे जाके देख लेना कितने परसेंट से हमने शुरू किया था। और फोन मेरा हीट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है, अच्छी बात है। और कवर साथ में मैंने लगा के रखा है। शिट ग्रेनेड आ गया। अब जाके मैंने पहला किल निकाला है, पहले तो मैं बातें रह गया करता। दूसरा किल, तीसरा, नहीं मेरा फ्रेंड ले गया, फ्रेंड तो नहीं है, रैंडम प्लेयर। वाह, ऐसे टीममेट होने चाहिए जो तुम्हें मार दें। मैंने सामने वाले को मारा एनिमी को और मेरा टीममेट मुझे ग्रेनेड से उड़ा रहा। तो फिर गाइस HDR और एक्सट्रीम में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी परफॉर्मेंस में। यहाँ पर बैटरी भी आप देख लो 74% हो गई है। अभी ये काम करते हैं, एग्जिट करते हैं और नेक्स्ट सेटिंग चलते हैं जो कि हमारा अल्ट्रा HD। अल्ट्रा HD में हमें यहाँ पर अल्ट्रा FPS दे के रखे हैं, मीन्स आपको मिलेंगे 40 FPS। तो टेस्ट करते हैं हमें 40 FPS कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं या फिर उसमें लैग देखने को मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा। और फोन हमारा हीट नहीं हुआ है अभी तक, कवर भी उतार देता हूँ। नहीं, हीट तो नहीं हुआ है और आजकल वैसे भी ठंड है। 17 डिग्री टेम्परेचर था मेरे रूम का थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था। और अभी जो ग्राफिक्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं बट 60 FPS वाला एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हमें 40 FPS मिल रहे हैं। ओह माय गॉड, FPS का एडवांटेज रहता है पर क्लियरिटी बहुत ज्यादा है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अब खेलने में क्योंकि 40 FPS मिल रहे हैं हमें, पर फिर भी आप खेल सकते हो। जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ 40 FPS हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। तो मैं एक बार क्लियरिटी का आइडिया देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर स्कोप इन कर रहा हूँ, ये देखो एक एक टेक्सचर तुम्हें अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि तुम अल्ट्रा HD पे खेल रहे हो। 40 FPS बुरे नहीं है अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो तुम खेल सकते हो इस पे वैसे, पर कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेल पाओगे, तब आपको इससे कम सेटिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा। पर फिर भी ठीक है, तुम देख रहे हो मैं खेल पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं लास्ट में एक किल करता हूँ फिर एक क्लासिक मैच खेलते हैं। ओ AWM मार गया, अगर 90 FPS पे होता तो शायद नहीं मार पाता, मुझे फील आ रहा है वैसा क्योंकि मुझे और थोड़ा स्मूथ दिखाई देता वो एनिमी। ठीक है गाइस, तो ये हमने देख लिया, फ़ोन हमारा
उतना हीट, मतलब हीट नहीं हुआ है, और 73% अभी एग्जिट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात मैं यही कहूँगा, जो सेटिंग्स दे के रखे है जैसे स्मूथ में 90 FPS, तो आप 90 एक्सपीरियंस ही खेल रहे हो एक्चुअल में। बैलेंस में एक्सट्रीम है तो आप 60 FPS ही खेल रहे हो, HDR में आपको 60 FPS ही मिल रहे हैं, अल्ट्रा HD में आपको 40 FPS मिल रहे हैं कॉन्स्टेंट, उसमें आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आईफोन में आपको एक बराबर सी परफॉर्मेंस मिलती है, जितना इन्होंने बताया उतनी आपको मिलेगी ही। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा है, अगर आपके फोन की बैटरी 1% भी हो जाती है तब भी आपने जो सेटिंग रखी है उतने ही आपको FPS मिलेंगे, जब बैटरी खत्म होगी तब तो बंद ही हो जाएगी। तो अभी लास्ट में मैं एक काम करता हूँ, अल्ट्रा HD पे आपको एक बार क्लासिक मैच लगा के दिखा देता हूँ, और दूसरा स्मूथ में आपको 90 FPS पर भी क्लासिक मैच का थोड़ा सा गेम प्ले बता देता हूँ। तो अल्ट्रा HD पे खेलते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं क्लासिक मैच लगा रहा हूँ। इस फोन में मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती, थोड़ा हैवी हो जाता है, अगर आप बहुत देर तक ऐसे पकड़ के खेलोगे तो आपके हाथ थक सकते हैं, मतलब मेरे थक जाते हैं, आपका पता है। और दूसरा ये जो कैमरा बम्प दे के रखा है ये थोड़ा अलग सा लगता है, मतलब एक हाथ से अलग फील आती है और एक हाथ से अलग फील आती है। अगर कवर लगा के खेलता हूँ तो ठीक रहता। फिलहाल ये एक्सपीरियंस है मेरा इस फोन के साथ में। और अल्ट्रा HD पे जो कलर्स और जो डिटेल वो नेक्स्ट लेवल नजर आ रही है, तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो ग्रास, पेड़ का टेक्सचर जैसे गेम का टेक्सचर होता है। अभी प्लेन में हम आ चुके हैं और मैं बाय द वे अपने टीममेट्स को धोखा देने वाला हूँ, क्योंकि मैं उतर जाऊंगा यहाँ पे कहीं पर। और भाई साहब आप देख सकते हो पूरा मैप मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम अल्ट्रा HD पे खेल रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जंप कर दूंगा जैसे जंप आएगा, तो ये मैंने जंप कर दिया है। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, डिटेल हमें बहुत अच्छी मिल रही है, और अभी अल्ट्रा पे है तो 40 FPS मिल रहे हैं, और मेरा फोन हीट भी नहीं हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो जितना आईफोन पैसा लेता है वैल्यू फॉर मनी है। आप इरिटेट नहीं होने वाले हो गेम प्ले के मामले में कि हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं या अच्छा नहीं लग रहा, वो दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी यूज टू होने की बात है, थोड़े दिन खेलने के बाद जो वेट है इसका हैवी है थोड़ा, वो सब तो हो जाता है टाइम के हिसाब से। और नेटवर्क भी अच्छा पकड़ लेता है, क्योंकि मेरे इस रूम में मैंने देखा है नेटवर्क उतना अच्छा नहीं आता है, पर फिर भी हमें 52 ms का पिंग मिल जा रहा है, अच्छी बात है। स्काई कलर कितना अच्छा आ रहा है, हर तरफ देखूं बहुत प्यारा गेम प्ले मिल रहा है अल्ट्रा HD में। एक बार पानी के अंदर जाके बता देता हूँ आपको, 1 2 3। और यहाँ पर मैं जंप करते नीचे गिर गया हूँ, पर तुम्हें ये दिखाना था मैंने, ये आप पानी की डिटेल देख सकते हो। वाओ, अल्ट्रा HD में ही मिलेगा आपको ये मजा। और बैटरी हमारी 71% हो चुकी है, और मैं काफी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंटिन्यू। इसको मैं बंद करता हूँ अभी, और 90 FPS वाला दिखा देता हूँ आपको एक बार। ग्राफिक्स स्मूथ 90 FPS, और मैं कलरफुल में खेल रहा हूँ, सारे मैच मैंने कलरफुल में लगाए थे। ऑलराइट गाइस, तुम्हें दिखाता हूँ, अभी 90 FPS पर लग चुका है, और जो स्मूथनेस है वो बहुत ज्यादा है, जायरो का अब ज्यादा मजा आ रहा है, और बहुत ज्यादा स्मूथ है भाई साहब, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ईजी हो जाएगा जब आप 90 FPS पर खेलोगे, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता हमें अल्ट्रा HD और साथ में 90 FPS मिल जाते, वैसे 60 मिल जाते वो भी इनफ है, 90 मिल जाते तो अलग ही लेवल का काम हो जाता, मतलब हम गेम प्ले को बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते, आंखों को अच्छा दिखाई देता क्लियर। पर ये आप देख सकते हो डिफरेंस, डिटेल बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, रियलिटी से हम पीछे हट चुके हैं। गेमर की बात करूं तो आपको FPS की तरफ ही जाना चाहिए ज्यादा, डिटेल की तरफ नहीं, पर कॉम्बिनेशन दे दिया होता तो बहुत अच्छी बात होती। सेम प्लेन पाथ है और सेम जगह पर अभी हम उतरेंगे, तो डिफरेंस आपको क्लियर पता चल गया होगा। अभी जब 90 FPS पर मैं खेल रहा हूं तो थोड़ा स्लो जैसा फील हो रहा है गेम, मतलब अच्छा रहता है ना, जितने अच्छे FPS मिलेंगे उतना अच्छा आप गेम प्ले कर पाओगे। मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ अभी भी, और ये काफी अच्छा हो गया, तुम्हें मतलब काफी अच्छे से पता लग जाएगा डिफरेंस। स्काई कलर्स वगैरह इसमें भी काफी अच्छे आ रहे हैं स्मूथ में, बस वो है कि डिटेल उतनी अच्छी नहीं आ रही। पिछली बार की तरह मैंने जंप कर दिया, ओ इस बार बट मैं नॉक नहीं हुआ। ये क्या FPS का फर्क था क्या, इस बार मैं नॉक नहीं हुआ। एग्जिट कर रहा है मैं गेम अब। तो फिर गाइस ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हें बता देता हूँ, काफी अच्छा फोन है गेमिंग के लिए, आप इसमें कॉम्पिटिटिव मैच भी खेल सकते हो, डिस्प्ले इसकी काफी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल जाता है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर आप गेमिंग के लिए, अगर आपके पास पैसा है इतना और आप इसके ऊपर खर्चना चाहते हो, ऐसा डिवाइस चाहते हो जो कि आपको गेमिंग में कोई लैग ना दे, तो बेस्ट ऑप्शन है ये आपके लिए। और मैक्स की तरफ भी जा सकते हो, थोड़ा हैवी हो जाएगा, यही मुझे हैवी रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के लिए मैं इसे बेस्ट कहूंगा, बेस्ट एंड बीस्ट। और जो छोटी मोटी कमियां थी वो मैंने आपको बता दी। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।